हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक एक्सपर्ट्स पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैफ़े कॉफ़ी डे के शेयर के बारे में। फ़िलहाल इसकी करंट प्राइस अराउंड 43 रुपीज़ के पास चल रही है एंड कल के दिन हमें इसमें 80% की ग्रोथ देखने को मिली। दोस्तों, सीसीडी का शेयर लास्ट 1 ईयर से ट्रेड नहीं हुआ था, इसे स्टॉक एक्सचेंज ने सस्पेंड कर दिया था, बट कल के दिन ही इसे डेब्यू करने का मौका मिला। और क्या खूब मौका मिला, फर्स्ट डे पर ही 100% की ग्रोथ, ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है दोस्तों। बट आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या सीसीडी का शेयर एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है रिटर्न कमाने का या एक ट्रैप। वेल दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा, ये वीडियो हम कल ही बनाने वाले थे बट कुछ प्रॉब्लम की वजह से नहीं बना सके। एंड इसी के साथ एक रिक्वेस्ट भी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कर दिया है तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो कॉफ़ी डे के शेयर से रिलेटेड। दोस्तों, अगर आप आज कॉफ़ी डे के शेयर की बात करें तो आज इसमें हमें 5% की गिरावट देखने को मिल रही है। इस पर लोअर सर्किट लगा हुआ है और ऐसा लाजमी भी था, एक दिन में 100% की ग्रोथ और एक साल का इंतज़ार। काफ़ी सारे शेयर होल्डर्स कर रहे थे, सो प्रॉफिट बुक करना एक अच्छा मौका था और इसीलिए हमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। बट क्या कॉफ़ी डे का शेयर एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है? वेल, सबसे पहले कंपनी का थोड़ा हिस्ट्री चेक करें तो हाँ, बेशक कॉफ़ी डे का इंडिया में लार्जेस्ट चेन है कॉफ़ी नेटवर्क का, और साथ ही साथ अगर हम देखें तो एक अच्छा ब्रांड नेम, रेप्यूटेटेड और रीचेबिलिटी के साथ। कॉफ़ी डे का ऑलमोस्ट 1752 आउटलेट है ऑल ओवर इंडिया में, जो कि इसे लार्जेस्ट कॉफ़ी चेन नेटवर्क बनाता है इंडिया में। बट पिछले कुछ सालों में कंपनी ने कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम फेस किया है और इसी के वजह से इनका शेयर भी सस्पेंड किया गया था। हाल ही में ये लोन चुकाने में भी असफल हुए थे, जिसकी वजह से ये बैंकरप्ट साबित हो गया था। बट सभी प्रॉब्लम फेस करने के बावजूद कंपनी अपने को रीबैक करने की कोशिश कर रही है, और इसी का नतीजा है कि कल के दिन ये शेयर वापस से रिलीज हुआ है स्टॉक एक्सचेंज पर। ये एक अच्छा साइन है कंपनी के ग्रोथ के लिए। इसी के साथ थोड़ा अगर हम कॉफ़ी डे के फाइनेंशियल डेटा पर नज़र डालते हैं तो फेस वैल्यू 10 रुपीज़ के आसपास है और सबसे अलग बुक वैल्यू 233.37 रुपीज़ के आसपास। ये इस शेयर को काफ़ी खास बना देती है। बुक वैल्यू ये शेयर की काफ़ी हाई है और ये पॉजिटिव साइन है किसी भी शेयर के लिए। बहरहाल, कंपनी पर डेप्थ है 580 करोड़ रुपीज़ का, और साथ ही साथ कुछ इश्यू भी चल रहा है एनसीएलटी से रिलेटेड। क्वार्टर फोर के रिजल्ट की बात करें तो अभी तक अनाउंस नहीं किया गया है, और लास्ट क्वार्टर की बात करें तो 114 करोड़ रुपीज़ का लॉस है कंपनी में। एक हिसाब से दोस्तों, कंपनी रिस्की तो बहुत है बट वैसा रिवॉर्ड भी। कॉफ़ी डे की बुक वैल्यू काफ़ी हाई है और ये एक पॉजिटिव साइन है, बट डेप्थ भी है। सो अगर आप रिस्क लेना भी चाहते हैं तो थोड़ा लीजिए, जितना आप सह सकें। यहाँ हम आपको इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दे रहे हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट रिस्की होता है विदाउट प्रॉपर नॉलेज। इसी के साथ आज का ये वीडियो हम समाप्त करेंगे। अगर आपको आज के ये वीडियो से नॉलेज मिली हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही साथ अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं हमें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।